हेलो एवरीवन, आज हम 7th and 8th September 2018 के करंट अफेयर्स देखते हैं। तो अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, लेप्टोसेप्टोसिस क्या है? क्या ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, वायरल डिसीज़ है, फंगल डिसीज़ है, या इन तीनों में से कुछ भी नहीं? तो इसका आंसर है, ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है और ये ह्यूमंस एंड एनिमल्स दोनों को होती है, ये आपको बात ध्यान रखनी है स्पेशली। और उसके बाद ये सेकंड इसमें याद रखने वाली बात ये है कि ये जो यूरिन होता है ना, जो डोमेस्टिक होते हैं एनिमल्स जैसे डॉग एंड रोडेंट से भी हो जाता है, जैसे रैट वगैरह के यूरिन से, उससे ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है? तो आपको इसका नाम याद रखना है और ये एक बैक्टीरियल डिसीज़ है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, जो कि है हमारा, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू अबाउट HY1C सैटेलाइट? क्या ये एक मैरीन सैटेलाइट है जो कि चाइना ने लॉन्च की है? क्या एक मैरीन सैटेलाइट है जो कि इंडिया ने लॉन्च की है, और या फिर ये रशिया ने लॉन्च की है? तो इसका आंसर बताना है आपको, या फिर इन तीनों में से कुछ भी नहीं, कुछ हो रहा है इसका आंसर। तो इसका आंसर है, एक मैरीन सैटेलाइट है जो कि लॉन्च की है चाइना ने, और इसमें ये एनवायरनमेंट के बारे में तो बताएंगे ही बताएंगे, और जो कि मैराइन, उसमें क्योंकि इसमें मैराइन वर्ड ही यूज़ हो गया, तो ओशियंस में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं उनके बारे में भी ये बताएंगे, ठीक है? ये सैटेलाइट बताएगी, ठीक है? चाइना ने लॉन्च किया, आपको ये ध्यान रखना है, चाइना सैटेलाइट लॉन्च करी जा रहा है, तो आपको सभी सैटेलाइट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके नाम पता होना चाहिए, और मैच द फॉलोइंग में भी ये आ जाता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, वेयर इज़ द ग्रेट कोरल रीफ? देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आप सबको आता होगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में है। ये न्यूज़ में किस लिए हम आपको अब वो बता देते हैं, क्योंकि जैसे कि ये एक, आप सबसे पहली बात कि ये एक ओनली कोरल रीफ है जिसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है? अब इसमें ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसमें जैसे ये कोरल ब्लीचिंग, आपको पता होगा ब्लीचिंग हो रही थी उसकी, तो अब इसमें सुधार हुआ है, रिकवरी हुई है, जो कि 2 सालों से हो रहा था ना कि ब्लीचिंग हो रही है कोरल्स की, तो अब वो उसमें सुधार पाया गया है, इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं, व्हाट इज़ ट्रू अबाउट गगनयान? ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। क्या ये इसरो का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है? क्या इसे 2003 में प्रपोज्ड किया गया था? क्या फ्रांस हेल्प कर रहा है इंडिया की इसमें? तो इसमें आपको बताना है, क्या फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, या फर्स्ट एंड थर्ड दोनों सही हैं, या सभी सही हैं, मीन सेकंड भी सही है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन सही है, लेकिन सेकंड ऑप्शन जो है ये 2004 है, ना कि 3। उसके बाद हाँ, जो फ्रांस है वो इसकी हेल्प कर रहा है, तो इसमें से क्या हो गया आपका, फर्स्ट एंड 3 ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो गया। इसके बारे में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा कि इसमें जो ये जो लेके जाएंगे, ये GLSV मार्क 3 जो है वो कैरी करेगा, ठीक है, लेके जाएगा। और इसमें ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये 2004 से प्रपोज था, लेकिन अब इसे 2022 तक इन्होंने पहुंचाना है, जो कि मोदी जी ने अभी अपनी इंडिपेंडेंस डे वाली स्पीच में भी इसे अनाउंस किया था कि हमारा जो है फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन जो है वो 2022 तक पहुंच जाएगा, और इसरो ये चाहता है कि 2022 तक वो अपने 3 ऐसे ह्यूमन जो है वो ह्यूमन स्पेस मिशन में भेज दे। इसके बारे में आप भी, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो हम अब अपने 5th क्वेश्चन पर चलते हैं, फेम इंडिया स्कीम किससे रिलेटेड है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हायर एजुकेशन, या इन तीनों में से कुछ भी नहीं? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक व्हीकल। सबसे पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होना चाहिए, फेम की क्या फुल फॉर्म है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स।
तो इसकी बात ये मींस करंट अफेयर्स में क्यों है, न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो जब ये शुरू की थी 2015 में, अब इसमें और सुधार लाने की बात की जा रही है कि और अच्छे तरीके से जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर काम किया जाएगा, एक इवन कि एक पैनल इसके लिए अलग से बनाया जाएगा, और इसमें टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, पैसेंजर फोर व्हीलर जो है व्हीकल्स के बारे में भी बात होगी, बसेस और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स के बारे में बात होगी, ठीक है। और यही सभी बातें इसके बारे में आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अच्छा, तो आज के हमारे करंट अफेयर्स सिर्फ 5 ही थे। थैंक यू वेरी मच। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।